चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने हाल ही में की है। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक श्रेणी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीम में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायी योगदान को मान्यता देना है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। सरकारी निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, अन्वेषकों या किसी भी संगठन से इतर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के किसी भी क्षेत्र में अग्रणीय अनुसंधान या नवाचार या आविष्कार के संदर्भ में विशिष्ट योगदान दिया हो, वे पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे। विदेश में रहकर भारतीय समुदायों या समाज को लाभ पहुंचाने में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के लोग भी पुरस्कार के पात्र होंगे। अब हम बात करेंगे पुरस्कार की श्रेणियों के बारे में। ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाएंगे। इसमें पहला है विज्ञान रत्न। पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देगा। दूसरा है विज्ञान श्री। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देगा। तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। और चौथा है विज्ञान टीम। यह पुरस्कार तीन या अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अन्वेषकों की एक टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान दिया हो। बड़े स्तर पर भारतीय समुदायों या समाज को लाभ पहुंचाने के लिए असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद और अन्वेषक भी पात्र होंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग साइंस, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्य में प्रदान किया जाएगा। लैंगिक समानता सहित प्रत्येक कार्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति कार्य करेगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। इसमें विज्ञान विभागों के सचिव, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अकादमियों के सदस्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद शामिल होंगे। पुरस्कारों की इस श्रेणी के लिए नामांकन हर साल 14 जनवरी को आमंत्रित किए जाएंगे। 28 फरवरी यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक नामांकन खुले रहेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 11 मई अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त अर्थात राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजित किया जाएगा। सभी पुरस्कारों में एक सनद और एक पदक होगा। ये नए राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय की उपलब्धियों को मान्यता देने में एक परिवर्तनकारी कदम है। चयन की पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ वैज्ञानिक, अन्वेषकों और प्रौद्योगिकीविदों के सभी वर्गों द्वारा किए गए कार्यों को अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के बराबर दर्जा प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.